नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है और अमेंडमेंट क्यों करना पड़ता है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अमेंडमेंट कब हो सकता है। तो अमेंडमेंट्स करने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि समय के साथ साथ सिचुएशंस बदलती रहती हैं। जो इंडिया 1947 में था वो इंडिया आज 2018 में नहीं है। तो वो जो हालात बदलते रहते हैं लगातार, जो लोग बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, उसको उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने के लिए अमेंडमेंट ज़रूरी होते हैं ताकि हम वक्त के साथ साथ बदल सकें और ताकि हमें फ्यूचर में मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्सोलीट ना लगे, मतलब कि वो ऐसा ना लगे कि वो अब वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए उसमें वक्त वक्त के साथ साथ चेंजेस करे जा सकते हैं। हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ज़्यादातर उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए हुए हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने के लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका यूज हो रहा है इस तरह से जो कि नहीं होना चाहिए। बेसिकली उसका जो यूज होना चाहिए वो अपने आप को सोशली समाज के हिसाब से, बदलते हालातों के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए वो करना चाहिए। तो एक होता है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इट इज ये किसी ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। इसमें जो न्यू न्यू स्टेट क्रिएट करने के लिए या क्रिएशन या ऑफ अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद होती हैं राज्यों में उनके लिए, उनको अबॉलिश करने के लिए या उनको क्रिएट करने के लिए ये सब होते हैं। या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में, जैसे आर्टिकल 239A में कहा गया है कि किसी यूनियन टेरिटरी की के लिए कोई असेंबली क्रिएट करने के लिए ये सब यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सब जो अमेंडमेंट होते हैं ये 368 के परव्यू से बाहर होते हैं। दूसरा जो अमेंडमेंट होते हैं वो अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईच हाउस एंड बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यानी कि जितने मेंबर हैं हाउस के, जैसे मान लीजिए 543 हमारी लोकसभा के मेंबर हैं, तो 543 में से अब बिल पास कराने के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो 272 है। ठीक है, अब अपोजिशन तो गवर्नमेंट का साथ देती नहीं है, तो क्या करती है सरकार, अपोजिशन की कुछ पार्टीज से बातचीत करके कुछ पार्टीज को एब्सेंट करा देती है, जो भले ही सरकार के फेवर में डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते बट वो एब्सेंट होके गवर्नमेंट की मदद करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई विपक्षी दल के अलावा, मुख्य विपक्षी दल के अलावा बाकी पार्टीज ने एब्सटेन कर दिया लोकसभा से, तो जो मेजॉरिटी तो हाउस के पास है ही जब जो सरकार में है, तो वो उसने सरकार के को वोट दे दी और कुछ पार्टीज ने रिस्ट्रेन कर दिया, तो 282 मान लीजिए जैसे आज की हमारी लोकसभा में 282 मेंबर हैं बीजेपी के पास, अगर वो बीजेपी के 282 भी वोट दे देते हैं तो भी वो बिल पास हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए 300 मेंबर प्रेजेंट है उसमें से 282 बीजेपी के वोट दे देते हैं और बाकी 18 जो है वो मान लीजिए कांग्रेस के हैं, तो वो बिल पास हो जाएगा क्योंकि वो हाउस की मेजोरिटी भी होगी, टोटल नंबर ऑफ हाउस बाय मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर यानी कि पूरी लोकसभा की मेजोरिटी भी होगी और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी तरह का अमेंडमेंट होता है उसमें अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, मतलब कि इसमें स्टेट्स की भी रजामंदी जरूरी होती है। ठीक है, उसमें आपको आधे स्टेट जो होते हैं यानी कि अभी मान लीजिए इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो कम से कम आपको 15 स्टेट्स की इसमें कंसेंट लेनी होगी। तो ये किन केसेस में होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट के केस में यानी कि जब मान लीजिए स्टेट की पावर कम कर रहा हो सरकार या केंद्र सरकार अपनी पावर बढ़ा रही हो, तो उस केस में आपको ये राज्य से रेटिफाई कराना पड़ेगा। प्रोविजंस डीलिंग विद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अगर आप जुडिशरी से कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं
मान लीजिए आप जज को इम्पीच करने का जो प्रोसीजर है वो बदल रहे हैं, तो उस केस में भी आप यू नो आपको रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट्स की। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, राज्यों के बीच में काम करना, कैसे काम करते हैं उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उन सब चीज़ों के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, अब मान लीजिए राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश की 50 सीटें हैं और फिर उसे केंद्र सरकार घटा के 20 कर देती है या 100 कर देती है, तो उस केस में भी उस आपको रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स लेना पड़ेगा। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में भी अगर आपको संविधान बदलने का तरीका ही बदलना है तो उस केस में भी आपको लेजिस्लेचर का जो स्टेट्स की लेजिस्लेचर है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अगला सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। तो इस केस में शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1951 का केस है, तो मतलब मान लीजिए अब संविधान बनने के कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आ गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट कंटेन इन आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, एंड आर्टिकल 13 जो है वो केवल ऑर्डिनरी लॉज पे एप्लीकेबल है और वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है, एंड डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज मेड इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होती है बेसिकली अमेंडमेंट करने की पावर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद सज्जन सिंह में भी यही हुआ था कि अमेंडमेंट ऑफ ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद जब पहले सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपने पिछली जजमेंट को, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट पावर टू अमेंड इज सॉवरेन पावर एंड ऑब्जर्व दैट अमेंडमेंट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड आर्टिकल 368 मेयरली लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई ऐसी पावर नहीं है जो कोई दिव्य पावर नहीं है, कोई सॉवरेन पावर नहीं है, ठीक है, और ये सिर्फ एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स आर बियॉन्ड अमेंडमेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड अमेंडमेंट इज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13(2), एंड देयरफॉर इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट इट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये जो जजमेंट थी ये पार्लियामेंट की पावर पे सीधा सीधा चोट थी, तो पार्लियामेंट ने एक 24th अमेंडमेंट पास किया 1971 में, उस वक्त मिसेज इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और आप सब जानते ही हैं कि वो कितनी डोमिनेटिंग प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय द डिसीजन इन द गोलकनाथ केस, पार्लियामेंट इनेक्टेड दिस एक्ट। इट नॉट ओनली रिस्टोर्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट but also extended its scope by adding the words in article 368 to amend by way of addition or variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in the article. A new clause was added to article 13 which provides nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. ठीक है, तो उसकी इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसे चैलेंज किया गया कोर्ट में, ठीक है। तो द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शैल नॉट बी ओपन टू क्वेश्चन ऑन ग्राउंड दैट इट टेक्स अवे अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट। द 24th अमेंडमेंट हैज बीन हेल्ड टू वैलिड इन केशव नंदा भारती केस, दो सब्जेक्ट टू सम क्वालिफिकेशन। अब हमेशा की तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता लिया, जैसा कि हमेशा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24th अमेंडमेंट तो वैलिड है, ठीक है, बट जो हमारा जो संविधान है उसमें सब कुछ अमेंड हो सकता है, बट सब्जेक्ट टू सम क्वालिफिकेशन। वो क्वालिफिकेशन क्या थी एक्चुअली, वो क्वालिफिकेशन जो कोर्ट ने लेट डाउन करी थी
वही क्वालिफिकेशंस को हम कह सकते हैं कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर के थ्योरी, ठीक है। तो द थ्योरी ऑफ इस केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी इजाद की थी, इवॉल्व की थी, ठीक है। इसमें इस कोर्ट ने अपनी ओवर रूल कर दी गोलकनाथ वाली जजमेंट को और मेजॉरिटी ने हेल्ड किया। इवन पार्लियामेंट के पास ये पावर है अमेंडमेंट करने की इवन बिफोर दिस 24th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और पार्लियामेंट इस केस में बेसिकली कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स में सम अप किया इस जजमेंट को। तो कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, और अगर वो उन्हें अमेंड करती है तो फिर उसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो पावर, पार्लियामेंट हैज वाइड पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट एक्सटेंड्स टू ऑल द आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब ऑल द आर्टिकल्स आ गया, मतलब फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, बट अमेंडिंग पावर इज नॉट अनलिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलिमिटेड नहीं है, एंड डज नॉट इंक्लूड पावर टू डिस्ट्रॉय और एब्रोगेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दे आर इंप्लाइड और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। उसके बाद कोर्ट यही कहता है कि फिर वो जो उसको आर्टिकल 368 से उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पावर रिवाइज करनी चाहिए, मीन्स, ठीक है। तो काम की बात ये है कि इसमें ये केसेस भी आपको जरूर देखने चाहिए जब आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो। इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया, और केशव नंदा भारती के केस में भी कोर्ट ने लेट डाउन किया कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो कोर्ट ने ये कहा बेसिकली कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री, सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में हार्मनी है और उनमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो और उसके बाद सुप्रीम को एक एक ये इनमें इन इतने सारे केसेस में मैं आपको एक मिनर्वा मिल का केस ज़रूर बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, इसको चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 4-1 की जज मेजॉरिटी से, यानी 4 जजेस ने उसके फेवर में कहा और एक जज साहब ने उनके अगेंस्ट में कहा, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जैसे इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्लियामेंट ने एक जब ये एक्ट पास किया था तो इसमें एक क्लॉज 4 और 5 ऐड कर दिया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आर्टिकल 5 है, सब क्लॉज 5 है आर्टिकल 368 का और आर्टिकल 4 है, क्लॉज 4 है, ये दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये असेंशियल फीचर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट ने फिर बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को और इलैबोरेट किया। उसने कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल, ठीक है, और पावर टू जुडिशियल रिव्यू इन सर्टन केसेस। इन सब केसेस में ये सब भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आज की डेट में क्या सिचुएशन है, आज की डेट में हम कह सकते हैं कि दो ही तरह की लिमिटेशंस हैं, एक प्रोसीजरल लिमिटेशंस हैं और एक सब्सटेंटिव लिमिटेशन। सब्सटेंटिव लिमिटेशन ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी हो गई, और जो प्रोसीजरल लिमिटेशन है कि जो प्रोसीजर जिस चीज़ का लेट डाउन किया गया है उसी वो प्रोसीजर फॉलो किया गया हो अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई जैसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को वॉयलेट करती है पार्लियामेंट अमेंडमेंट करते हुए, तो उस चीज़ को कोर्ट में ऑब्वियसली चैलेंज किया जा सकता है।
कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट की जो पावर है आर्टिकल 32 में, ठीक है, वो भी बियॉन्ड लाइक दैट इज ऑल्सो बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तो मोटा मोटी जो बात है वो ये है कि कोर्ट ने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है, हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, ठीक है, ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फीचर, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेसिक फीचर, सेपरेशन ऑफ पावर, सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब चीजें कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू वगैरह भी आने वाली जजमेंट्स में कोर्ट ने ऐसा लेट डाउन किया कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर की पार्ट है। अब एक सवाल ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया जा सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को दो तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है, या तो कोई रिवोल्यूशन हो जाए, जो कि होने की संभावना हिंदुस्तान में तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट जो है अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ले, जैसे कि जो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो अंग्रेजों ने बनाई थी संविधान बनाने के लिए, ऐसे अपने आप को वो अपने आप को चेंज कर ले, ठीक है। लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि लिमिटेड पावर है उसके पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। और तीसरा केस है रेफरेंडम, यानी कि जनमत, जनमत संग्रह हो जाए, अगर जनता कह दे कि हमारा संविधान चेंज होना चाहिए, तो संविधान बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो ये सारी जजमेंट आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है। इंदिरा गांधी राजनारायण, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वामन राव आईआर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, किलोता होलों वर्सेस जेलचू, टीएन सेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।